वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई बर्थडे ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रात के बजे हैं 12 और मेरा बर्थडे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ से। और मिस्टर सिंह आ गए हैं केक लेके। Happy birthday to you. हम इतना टिंका क्यों ले रहे हो? ये रात के बारे में ये हाल है। देखो भाई साहब, चलो केक कट करो। भाई तब नहीं है मिट्टा टिंग। भी भाई साहब नहीं है। चलो। भाई बहनो, हम चलो। चलो happy birthday. अकट के happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Ruchi. अकड़ मम्मी का बर्थडे। Birthday to you. To me. Happy birthday to me. Yeah. ये तो अकड़ शिकार जाएगा। मम्मी को खिला। Yummy. Yummy. अभी पापा का टर्न है। नहीं अभी अकड़ का टर्न है। एक बार पापा। बस अभी अकड़ खाएगा जरूर। आने वाला दिन और साल अच्छे रहे। आकाश आपका क्या कहना है, अच्छे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अच्छे रहना। क्यों रहना चाहिए? ताकि केक मिलते रहे। हाँ उमा दे दो मम्मी को एक बार। हाँ उमा दे दो। अरे वाह हैप्पी बर्थडे एक और बार बोल दो मम्मी को। सोच रहा है मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे। चलो फिर अभी रुचि करेंगे रिलैक्स। हम मिलते हैं कल सुबह। सुबह मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो सुबह हो गई है और बर्थडे वाला दिन आ गया है और आज मेरा स्कूल भी है। तो बस हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे, पहले तो फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे काम भी करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि नाश्ता क्या लाया है मिस्टर सिंह ने आज बर्थडे पे। गर्मा गर्म मिसल पाव। एक्चुअली मैंने बोला था कि बहुत टाइम से मिसल पाव खाने का मन हो रहा है, तो सुबह सुबह मिस्टर सिंह जाके ले आए हैं। आज सुबह मुझे थोड़ा जल्दी स्कूल जाना था। ये देखिए चाय के साथ गर्मा गर्म मिसल पाव। वाओ। हेलो दोस्तों, तो मेरे बर्थडे के दिन अभी मिस्टर सिंह मुझे ड्रॉप कर रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। तो अभी जा रही हूँ मैं स्कूल और वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए ये है मेरा लुक बर्थडे का और मिलती हूँ आपको बाद में आफ्टर स्कूल, शायद एक साथ आफ्टर स्कूल ही मिलती हूँ, है ना। वहाँ की कुछ पिक्चर्स मैं लगा दूँगी कि कैसे सेलिब्रेट किया क्या किया। बाहर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब चल रहे हैं अंदर। देखिए यहाँ एंट्री करते ही कितने सारे फ्लावर्स हमारा वेलकम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो सबसे पहले मैं बारबेक्यू स्क्वायर के बारे में बता देती हूँ, जिन्होंने ये नाम देख के वीडियो क्लिक किया है उनके लिए, ताकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये बारबेक्यू स्क्वायर बिरला कॉलेज रोड पे है कल्याण में, और यहाँ पे अंदर जाते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। एंट्री का गेट और फ्लावर वगैरह अभी जो आपने देखा, और ये पूरा इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन है। ये अंदर का हॉल है और यहाँ पे फूड भी हमको बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग देखेंगे अगर ब्लॉग देखेंगे तो हमने खाया क्या क्या खाया। और इसके बाद यहाँ देखिए ये एम्बियंस जो है ना, ओवरऑल डेकोरेशन काफ़ी यूनिक लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया पूरी फैमिली के साथ, और आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ पे बर्थडेज और एनिवर्सरीज प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक है और थोड़ा सा और स्पेशल फील होता है कोई आपके लिए अलग से गाने गाए तो। और बस आगे चलते हैं ब्लॉग की तरफ। Raise your hand. Hi, Rachel.
हैप्पी बर्थडे, दिस वन इज फॉर यू, लेट्स गो. Happy birthday, Ruchi. Stay blessed. Yeah. Thanks, thanks. Thanks, thanks. क्या खा रहे हो? वो नहीं खाते. तो अभी आ गया है टाइम यहाँ बाय बाय कहने का. और ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे अंदर भी है, तो यहाँ पे अंदर से भी वही म्यूज़िक सुनाई देता है, बस आप देख नहीं पाते हो उनको. तो हम लोग बाहर बैठे थे, तो दोनों जगह बैठ सकते हैं आप लोग. और बाय बाय कहने अभी निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ. और बहुत अच्छा एम्बियंस, बहुत अच्छी पार्टी हो गई है ना बर्थडे वाली. यस, बर्थडे पार्टी. दिन कैसा रहा आज का? अच्छा था, बिजी था, अच्छा था. चलो आने वाला साल अच्छा रहे. बाय बाय. पीछे ही लेने बोल रहे हैं वो.
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा पार्किंग का इशू है, बहुत कम गाड़ियाँ, मतलब 4-5 ही फोर व्हीलर आ पाती है और 10-12 टू व्हीलर, तो स्काई डेक के हिसाब से पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो वो सब सोच के आइएगा, और बाकी तो ओवरऑल हमको अच्छा लगा एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, तो हो गया है हेलो दोस्तों तो हो गया है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और मैं थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ क्या हुआ, एकदम आप सोचे होंगे। सुबह सुबह का शेड्यूल था कि मैं स्कूल गई, मिसल पाव था नाश्ते में, आज मिस्टर सिंह ने लाया था स्पेशल मिसल पाव तो बहुत दिन से वहाँ का मुझे खाना था, तो सुबह सुबह लेके आ गए। और फिर स्कूल में हम लोग ने पार्टी दी, स्कूल में कितने लोगों को पार्टी दी बताओ, ये पूरा अरेंजमेंट इन्होंने किया है। नहीं नहीं कुछ नहीं, 20 लोग ही थे। इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ बोल दो। हाँ यार, ये ब्रेसलेट तो मैंने ही दिया था, बहुत प्यारा लगता है मुझको। हाँ। है कि नहीं, अच्छा तो है। और ये ब्रेसलेट 10 साल पुराना है और मैं अभी भी बहुत मन से और उसी फीलिंग के साथ पहनती हूँ, है ना। थैंक यू। मिस्टर सिंह ने भेजा था सगाई के बाद और शादी से पहले कुछ गिफ्ट भेजते ना, उसमें एक इयर रिंग ब्रेसलेट और उसमें ये वाला ब्रेसलेट था, तो आज तक मैंने संभाल के रखा है और इम्पोर्टेंट दिनों में मैं इसको निकालती हूँ। तो आज मैंने निकाला हुआ था। और कैसा लगा आपको हमारा लुक जरूर बताना। अरे मेरा मत दिखाओ प्लीज। और दोपहर को स्कूल से आने के बाद हम लोग ने बस आकाश के साथ टाइम बिताया थोड़ा। मैंने सुबह से उसको आज छोड़ के चली गई थी, उसका स्कूल नहीं था तो घर पे ऐसा था ना पूरे टाइम, तो लगता है ना बोर हो गया होगा। फिर उसके बाद 2-3 घंटे आकाश के साथ बिताए। उसके बाद मुझे लेना था पटियाला सलवार ऑरेंज कलर का, ये जो पैट्रियोटिक थीम है, तो ट्राउजर्स तो मेरे पास ऑलरेडी थे लेकिन इस बार पटियाला लेने के लिए बोला गया था, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल था, मॉल में कहीं नहीं मिला था। तो फिर हम लोग फिर ये महावीर मार्केट है वो ढूंढ ढूंढ के मैंने बहुत मेहनत से बर्थडे के दिन, क्योंकि एक दिन पहले और भी कुछ था तो नहीं ले पाए, और बर्थडे के दिन ही मैं वो सलवार बहुत घूम घूम के ढूंढी हूँ, बहुत टाइम दे के तो जाके मिला है। तो कल पहनूंगी वो, 15 अगस्त के ब्लॉग में आपको देखने के लिए वो सब मिलेगा। तो बस ऐसे ही था। और ये लोग मुझे फिर वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट में मिले, शाम को मैं थोड़ा जल्दी डोसा बनाई शाम को नाश्ते में और निकल गई थी 5-6 बजे वो सलवार ढूंढने के लिए। फिर 8 बजे ये लोग सीधा मुझे रेस्टोरेंट में मिले, ऐसे ही रहा। और कुछ आप मेरे बर्थडे पे स्पेशल बोल दो, दो शब्द। तुमने बताया नहीं कि शूज लिया कि नहीं आपने। और मैंने शूज भी लिया क्योंकि मेरे वेस्ट साइड के शूज गायब हो गए हैं दोस्तों, जो मैं ज्यादा वेस्टर्न के साथ पहनती हूँ ना मेरे जूते, मैं यहाँ लगा दूंगी पिक्चर कौन से जूते थे वो, और वो एक ही है अभी, ये सोसाइटी में से जूते भी गायब हो रहे हैं हमारे तो मुझे आज लेने ही पड़े क्योंकि कोई जूते नहीं थे जो मेरे ड्रेस के साथ ऐसे जाए। तो बस मोची में से मेट्रो में सेल भी लगी थी तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, और वहाँ भी लेके वो भी लेके आई, और वही जूते मैंने आज पहने हैं, फोटोज में आपको दिखेगा। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आने वाला साल अच्छा रहे रुचि के लिए, अच्छा साल रहे आगे वाला भी, ऐसी हमारी दिलो कामना है, मनोकामना है। और सबसे मैंने अच्छी हेल्थ और सब कुछ होना हो, खुशी और हेल्थ रहनी चाहिए हमेशा सबके साथ, और रुचि के साथ भी। ओवर एंड आउट, बाय बाय। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं 15 अगस्त वाले ब्लॉग में। मैंने प्रॉमिस किया था अगस्त में डेली वीडियो बनाऊंगी लेकिन हो नहीं पा रहा है, एक्चुअली स्कूल के बहुत सारे ऐसे काम है जो कि रह जा रहे हैं, और मुझे भी कफ एंड कोल्ड हो गया था 3 दिन पहले, फिर से ब्रेक हो गया। तो बस लेकिन इम्पॉर्टेंट इवेंट कोई नहीं छूटने पाएगा, गणपति है, जन्माष्टमी है, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं जो जिसकी तैयारी, जिसका सेलिब्रेशन पूरा आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बोलो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बिहाइंड द सीन ये सीन है कि मैं और मिस्टर सिंह बात करते करते हमारा मन कर गया फालूदा खाने का, है ना। देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। तो हम लोग फिर से आ गए हैं, वीडियो का एंड नहीं है दोस्तों, वीडियो ये देखिए फालूदा की शॉप सामने दिख रही है ये, और हम लोग आ गए हैं फिर फालूदा खाने। रामबाग खा खा के एकदम पेट भर गया था उस वक्त, लेकिन अभी थोड़ी सी जगह बन गई, मामले में थोड़ा चेंज है, हम लोग अभी फालूदा नहीं ब्राउनी खा रहे हैं, सिजलिंग ब्राउनी।
रही बर्थडे पार्टी? पार्टी बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।